सो हे गाइस, वेलकम बैक टू नो चीजी व्लॉग। आज हम आ चुके हैं एक और फ्रेश चीजी व्लॉग में। सो गाइस, मैं बाथरूम में हूँ, इसलिए पीछे आपको कपड़े दिख रहे होंगे। मैं अपना बाथरूम दिखाता हूँ। ये टॉप 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 टॉप, ये शिट पार्ट है, थोड़ा सामान, थोड़ा सा बाथरूम टूर भी कर दिया। तो गाइस, बस मैं ना थोड़ा केक लेने जा रहा था, क्योंकि मेरा ना केक खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। तो दीदी ने केक एक जगह बताई थी, वहां से मैं सोचा केक ले आते हैं, थोड़ा सा दो तीन स्लाइस ले आते हैं, क्योंकि ना इतना हम केक खाते नहीं। तो मेरा आज काफी स्वीट खाने का मन कर रहा था। तो ठीक है, आज मेरा स्कूल या लॉन्ग वीकेंड है, यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे संडे मेरी छुट्टी है, तो आज फ्राइडे है, तो जस्ट निकलता हूँ मैं अभी। तो केक लेके आते हैं और आपको पूरा बाहर का कैमरा अच्छी तरह से एक्सप्लोर करवाता हूँ, और बहुत प्यारा व्लॉग बनने वाला। क्या बताऊं आपको, केक के साथ कहीं और भी कुछ दिलवाने ले चलो। तो बस वेट करो, इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बहुत तगड़े व्लॉग्स आ रहे हैं। मैं तभी भी शॉर्ट्स इसलिए बाहर आ रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसी कोई छुट्टी होती है तो ही मैं बाहर एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आज पूरा एक्सप्लोर कराता हूँ कनाडा। तो रुको, मैं तैयार होता हूँ, फिर चलते हैं। सो गाइस, जस्ट निकल चुका हूँ, मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। ये हमारे यहाँ का मतलब जस्ट ऐसा रोड थी, तो मैंने सोचा दिखा देता हूँ। इधर का व्यू ऐसे है बिल्कुल। अब मैं आपको ना जैसे ही रोड के पास पहुँचता हूँ, तो अब आपको वहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ जो इंडिया और कनाडा में सबसे बड़ा डिफरेंस है। दो मिनट रुको, मैं पहुँचता हूँ फिर बताता हूँ। सो गाइस, एक्चुअली आपको बताता हूँ, इंडिया में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो आपको ये दबाना पड़ता है, फिर वो जो आगे ये वाली लाइट है ना, वो होती है ग्रीन, ये वाली यहाँ पे टैंड आ रहा है, वो होती है ग्रीन। तो फिर उसके बाद हमें पता लगता है हम क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं। जब वो ग्रीन हो जाएगी फिर हम क्रॉस कर सकते हैं। जब आएगा साइन फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्रॉस करने का। क्या प्यारी धूप हो रही है, ठंड रहती है ना यहाँ पे, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मैं आपको दिखाता हूँ आगे के व्यूज़ होने तो पहले ग्रीन तो जो थोड़ा। सो गाइस, इट्स ग्रीन, यू कैन सी दैट इट्स ग्रीन। अब हम क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। मैंने क्रॉस कर लिया, गालियाँ निकाल लेंगे लोग मुझे, क्योंकि मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, नीचे कर लिया था, इसलिए कोई नहीं कुछ कहेगा। तो हम ऐसे क्रॉस करते हैं, यहाँ के अलग प्रोसीजर है, बट इट्स सेफ कि मतलब बंद जो एक पेडेस्ट्रियन है वो अच्छी तरह से क्रॉस कर पाएगा। बस इतना ही कहता हूँ, अब आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको मैं जितनी भी जगह दिखा दूँ, हर एक की चीज़ इतनी प्यारी है, आप देखते देखते नहीं थक जाओगे, बट मैं दिखाते दिखाते थक जाऊँगा, दैट्स श्योर। ये शायद थोड़ा सा लंबा व्लॉग बन जाते, आपके लिए सोने पर सुहागा है। तो सो गाइस, आज तो एक तो पोपट ये हो गया कि इतनी मेहनत करके निकला कि सोचा आलस हटा के कि केक लेने चलते हैं। यहाँ पर बेकरी बंद ही पड़ी अपनी, ये देख लो स्टोर क्लोज है, और कोई अंदर है भी नहीं, कोई अंदर है भी नहीं, क्या करें, स्टोर इज क्लोज, अब कुछ नहीं कर सकते, और क्या, चलते हैं। और ये देखो, मैं केक भी लेना है, तब कोई है नहीं तो मैं क्या करूँ, देखते हैं स्नैक व्लॉग से कुछ चखते हैं, फिर निकलते हैं घर की तरफ। ठीक है, रुक जाओ दो मिनट। तो जस्ट अब वापस जाता हूँ घर, बहुत मूड ख़राब हो गया, केक के लाया था, केक तो मिला नहीं। चलो कोई नहीं, चलते हैं और क्या करें। सो गाइस, मेरा ना सच में बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया, मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद से आया था आज केक खाने की। दैट्स रियली बैड, रियली 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 बैड, मेरा बहुत ज़्यादा मन था आज केक खाने का। मैं टिम तो ऐसे ही गया था, टिम और 7-Eleven पास में था ना, तो जस्ट देखने गया था कुछ स्वाद सोचा दिख जाए, बट कुछ है ही नहीं यहाँ, सब मैंने ज़्यादा ट्राई किया हुआ। हाँ गाइस, मैंने जो स्नैक प्लग की आपको इसमें बीच में वीडियोस पाई थी ना, वो स्नैक प्लग की थी, जहाँ पे ऑथेंटिक नए नए टाइप के स्नैक्स थे,
तो अगर आप वो चाहते हो मैं ट्राई करूँ तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को भाई थोड़ा सा प्यार दे दो। सो गाइस कनाडा में भी पोपट होता है ऐसा, इतना कुछ डरने वाली चीज़ नहीं है, रुक के बात कर ले तो कनाडा में भी काफ़ी पोपट होते हैं, इसलिए टेंशन ना लो। तो बस ये था काफ़ी कनाडा का थोड़ा बहुत दा टूर, और चलते हैं घर, घर जाके कुछ खाता हूँ, घर बाहर तो कुछ मिला नहीं। चलो बस बाय। सो हे गाइस, तो आया तो मेरा मूड ख़राब था तो मैंने सोचा खुद ही कुछ बना लेता हूँ। मम्मा ने पास्ता बना के गए थे, थोड़ा ग्रिल चीज़ बना लिया और साथ में बनाना शेक पी रहा हूँ। अब थोड़ी देर पीता हूँ यार अपना फेवरेट तारक मेहता देखूँगा, थोड़ा चिल करता हूँ। रात को अगर दीदी को बोलता हूँ कहीं घूमने जाते हैं, फिर आपको पूरा आज अच्छी तरह से कैनेडा ही घुमाता हूँ, ठीक है? अभी मुझे शांति से खाने दो। प्यारी बेकरी थी, तो मुझे इतनी प्यारी बेकरी लगी आज, मैंने पहली बार इतनी सुंदर बेकरी देखी, मज़ा आ गया। और इतना सोना वॉशरूम है। सो मैं आया था अपने भाई बहन के साथ, तो इतना मज़ा आ रहा है आज, मेरी पहली कनाडा की सबसे मेरी फेवरेट नाइट है। इट्स द वन ऑफ द लवलीस्ट नाइट आई एम हैविंग विद माई सोलो, सो आई एम लविंग दिस नाइट। I actually don't want this night to be ended, but koi so washroom ho gaya, ab jaate hain bahar, thoda aur chal bil karte hain, fir jaate hain seedha ghar, to milte hain aapse, bye. गाइस मैं आपको बस एक आखिरी चीज़ दिखाना चाहता था, व्लॉग मैंने कैंसिल कर दिया बट उसकी मैं क्लिप आखिरी में दिखाऊंगा। यहाँ पे ना खुद भरना पड़ता है पेट्रोल। ओह इट्स फुल, अब यह फुल हो गया, इसको यहाँ रखो, यहाँ पे खुद भरना पड़ता है, कोई वर्कर नहीं क्योंकि इनका कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। तो बस बाय बाय। सो गाइस इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ। आई होप यू लाइक द नाइट लाइफ ऑफ कैनेडियंस। यहाँ पे लोग ऐसे ही नाइट लाइफ मनाते हैं, फ्राइडे नाइट थी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया सबको, मुझे भी दीदी को भैया को सब ने बहुत इंजॉय किया कल। तो बस इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करता हूँ। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर और तबाही तबाही ब्लॉग चाहते हो तो
ओ भाई कमेंट कर दिया करो की चाहिए अपा ओ ही लाएंगे तो आड़े ले। शेरी तू क्यों बोल रही है। तो बस मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू एंड पीस आउट, हैप्पी चीजिंग, पीस आउट, ओके बाय, शाबाश।